हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है उस इंसान की असलियत, किस तरह के वो इंसान हैं, किस तरह की वो सोच रख रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ को लेकर, या आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। तो वही सब चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको उसी पर्सन का नाम अपने ध्यान में रखना है, ठीक है? उन्हीं पर अपना फोकस बनाए रखना है जिनकी असलियत आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है? बावजूद उसके ऐसा लग रहा है नहीं, आपके पर्सन ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं। और आप सभी को पता है जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि कलेक्टिव्स के लिए एनर्जीज निकाली जाती है, तो हर एक बात आपसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन चीज़ों को खास ध्यान में रखकर ओपन माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की असलियत, बताइए ये किस तरह के इंसान हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की असलियत, बताइए ये किस तरह के इंसान हैं, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, नाइन ऑफ वैंड एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की असलियत, बताइए ये किस तरह के इंसान हैं, गाइड कीजिए। चेंज, मैन्युपुलेट, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की असलियत, बताइए किस तरह के इंसान हैं, हील्ड, जेलिसी, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस तरह के इंसान हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। रीयूनियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्विक कॉल और मैसेजेस, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं एनर्जीज डिस्कस करूँगी। ये जो भी एनर्जीज होंगी ये आपकी होंगी या उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दिया। उसके अलग ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें टॉरस आपका काफ़ी स्ट्रांग है, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 9 यानी कि सेप्टेम्बर मंथ भी मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में एज गैप है, चाहे ये आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे हो, या फिर पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट लव हो, एज एन आपने इससे पहले किसी से इतना प्यार नहीं करा, आप किसी के लिए इतना अट्रैक्ट नहीं हुए हो, इतना आपने किसी के लिए भी फील नहीं करा जितना कि आपने इस पर्सन के लिए करा है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो सवाल पर आते हैं। सबसे पहले जैसा कि सवाल है कि किस तरह के इंसान है, देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना चेंज, बदलाव इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत से लोगों का होता है कि जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो उसी में ही जीना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं, तो ये पर्सन उसी तरह की कैटेगरीज में आते हैं कि ये बदलाव को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर चाहे वो बदलाव किसी भी तरीके का क्यों ना हो। एज ए जैसे अगर घर बदलना है तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है नए घर में एडजस्ट होने में, नए दोस्त बनाने में, नए रिश्ते बनाने में। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन की थोड़ी एक्सेप्टेंस पावर ना कम है। उसके अलग मटेरियल सोच बहुत ज़्यादा है, मतलब मटेरियल चीज़ों के प्रति ये पर्सन बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे कि लग्जूरियस कार होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए,
अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो मटेरियल चीज़ों के प्रति इस पर्सन का अट्रैक्शन ज़्यादा है। और किसी पॉइंट पर ये मैन्युपुलेटिव भी हैं, जैसे कि सामने सामने देखकर ये झूठ बोल सकते हैं, वो कला इन्हें आती है, वो आर्ट इन्हें आती है, बात को कैसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सर्व करा जाना है वो भी इन्हें अच्छे से आता है, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत डिफेंसिव गेम खेलते हैं, यानी कि जहाँ पर ये अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं वहाँ पर ये डेफिनेटली खेलते हैं, वहाँ पर ये डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं, और जहाँ पर इन्हें लगता है कि नहीं अब ये चीज़ें मेरे पर अटैक कर सकती हैं, अब ये चीज़ें मेरे पर आ सकती हैं, तो ये पर्सन ना अपने आस पास के लोगों को नहीं बचाते, सबसे पहले अपने आप को ये पर्सन बचाते हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। इन्हें ना आपके प्रति डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, शुरुआती तौर पर भी रहा और अभी भी है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं, फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, प्यार ही आपसे करते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज पूछोगे यहाँ की एनर्जीज में, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है जैसे अट्रैक्शन तो भरपूर है आपके प्रति, प्यार पेज की एनर्जी में है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर दिखी है। जेलेसी लेवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एज उनकी दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो पाते, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर एक जेलेसी ने आती है, भले वो चीज़ें आपको मैन्युपुलेटिव वे में बोलते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें अगर आप उस चीज़ को ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये बंदा या बंदी यहाँ पर जेलेसी फील कर रहा है या कर रही है दूसरे की खुशी से। ठीक है, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, देखो आप भले हील हो या ना हो लेकिन इस पर्सन की एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पूरी तरह से हील्ड नहीं थे, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जेलेसी भी रखते हैं, बदलाव भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर भी बोलते हैं। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि इस पर्सन का जो चाइल्डहुड है, इनका जो बचपन है वो ऐसा ही रहा हो जिसमें इन्हें अंदर से काफ़ी जख्म मिले हों, काफ़ी चोट पहुंची हो, जिस रीज़न की वजह से ये पूरी तरह से हील्ड नहीं है। एक हीलिंग सोल मुझे यहाँ पर इस पर्सन की नहीं दिखाई दे रही है, या हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में ये पास्ट में रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप सिर्फ दोस्ती तक रहा हो और इनकी साइड से अटैचमेंट रहा वहाँ पर, तो उस रिलेशनशिप में इन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन के अंदर ये चीज़ें हैं, या इस पर्सन का जो बचपन है थोड़ा सा वहाँ पर कुछ कमी रह गई है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना हील नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, आपसे ये पर्सन डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उन सब चीज़ों के मामले में ये आपसे बात नहीं करना चाह रहे, या आपको मैसेज नहीं करना चाह रहे, या रीयूनाइट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीलिंग्स इनके दिल में हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और रिश्ते के लिए या फीलिंग्स के लिए जो एक्शंस लेने हैं वो पेज की एनर्जी में इस पर्सन के रह जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर रीयूनियन होने में डिस्टरबेंस चल रहा है, और वो जो डिस्टरबेंस है वो इस पर्सन की साइड से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अब आप लोगों के बीच में जो चीज़ें बदली वो इन्हें एक्सेप्ट करने में देरी लगी उसे, तो इस तरह से मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आप दोनों किस तरह के पर्सन हो। देखो एक तो यहाँ पर है हद से ज़्यादा इमोशनल, हद से ज़्यादा भावनाओं में बहने वाला या वाली, हद से ज़्यादा भरोसा करने वाला, और दूसरे से भी यही उम्मीद चाहता है या चाहती है कि वो भी मुझ पर भरोसा करे और मेरे लिए भरोसे लायक बना रहे, पूरी तरह से डिवोटेड। ठीक है, और ये एनर्जी मुझे आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है, यानी कि उसके लिए रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आगे की आसपास की चीज़ें कम ज़्यादा हो जाए लेकिन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में फीलिंग्स, रिलेशनशिप में भरोसा, ये सब होना उसके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो आप, ठीक है। दूसरी तरफ ये पर्सन, इनकी एक ऐसी एनर्जी है कि ये हाँ ये प्यार करते हैं, लेकिन इनके लिए प्यार जितना इम्पॉर्टेंट है उतना पैसा, मटेरियल चीज़ें भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये पर्सन बैलेंस में ये चीज़ों को रखते हैं, जहाँ पर केयर देनी है वहाँ केयर करेंगे भी, जहाँ पर केयर लेनी है वहाँ पर भी ये पर्सन चाहे ठोक बजाकर अपने लिए केयर मांगे तो वो भी करेंगे। इस पर्सन को अपने परिवार से, अपने घर से बहुत प्यार है। ठीक है, जैसे आपके साथ है कि आप
बस एक पर्सन चाहते हो जो आपको प्यार दे, आप उसे प्यार दो, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं तो हो, तो परिवार, घर, ये सब भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इस पर्सन में प्रैक्टिकल पार्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, मतलब मुझे यहाँ पर इस पर्सन की साइड से ना ये चीज़ें दिखाई दी कि हाँ इनको सब चीज़ें चाहिए, एज एन आपके साथ बस प्यार चाहिए और इन्हें सब चीज़ें चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। नेचर वाइज मदरली नेचर हैं, केयर करना भी जानते हैं और केयर करवाना भी जानते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये कुछ इस तरह के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या असलियत है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। तो देखिए यहाँ पर आया है आपका सेवन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन या आप में से किसी की भी हो सकती है, जैसे एज एन कि आप कैंसर हैं, ये पाइसिस हैं, आप स्कॉर्पियो हैं, ऐसे इस तरह से हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि मुझे आप थोड़ा इमोशनल दिखाई दिए हो, या ये पॉसिबिलिटी है कि आपके बर्थ चार्ट में ना ये एनर्जीज, ये राशियाँ काफ़ी स्ट्रांग हैं। ठीक है, देखो बेसिकली इनके साथ क्या है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करने को लेकर कंफ्यूज्ड ज़्यादा हो जाते हैं, या ये कह सकते हो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, जैसे कि ख्याली पुलाव बहुत बना लेते हैं, इमेजिनेशंस में ज़्यादा जीते हैं, एज इन कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगी, एक तरह से मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना रियलिटी के बजाय इमेजिनेशंस में ज़्यादा जीते हैं, कि अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने की ये पर्सन कोशिश करते हैं, तो उस तरह के ये इंसान हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने के चक्कर में ही ये पर्सन जो इनके पास होता भी है ना उसे छोड़कर चल बैठते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में थे, आप इनकी ज़िंदगी में इन्हें फीलिंग्स दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, रिश्ता दे रहे थे, एक अलग ही रिश्ता था आपके बीच में, लेकिन ये पर आपके इतना सब कुछ देने के बावजूद भी ये पर्सन अपनी इमेजिनेशंस के पीछे भागे हैं, तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि तुरंत भटक जाते हैं, तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, तुरंत एकदम से इनके डिसीजंस ना बदल जाते हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में अपने मन मुताबिक बदलाव लेकर आने के लिए तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, तुरंत अपनी इमेजिनेशन के पीछे भागने लगते हैं, तो वो यहाँ पर है। और उसके बाद ये पर्सन ये नहीं देख पाते कि जो मेरे पास है मैं उसे छोड़ दूंगा या दूंगी, तो उसके बाद पता नहीं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ें इस पर्सन के साथ है। और कहीं ना कहीं इसी बेवकूफ़ी के चक्कर में, इसी इमेजिनेशंस के चक्कर में इस पर्सन ने ना आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, या आपकी ज़िंदगी से ही दूर चले गए। तो इस तरह के मुझे इंसान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले, एक माइंड नहीं इनका सेट रहता। ठीक है, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में, व्यूअर्स के पर्सन की असलियत बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। यहाँ पे है एम्परर एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है भाई, देखो ये पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस तो मानते हैं, यानी कि आपके साथ इन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है, आपके प्रति ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन इस पर्सन के साथ ये भी दिक्कत है कि ये आपको ना कभी भी अपने आप से सुपीरियर नहीं देख पाते, ये खुद एम्परर की एनर्जी में रहना चाहते हैं, यानी कि डोमिनेटिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। ये आपको लेकर पॉजिटिव हैं, ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी इनसिक्योरिटी और इसी पॉजिटिवनेस की वजह से आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जैसे कि बस यही जीत हासिल करें, कुछ भी हो, अगर आप लोगों के बीच में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स में बस यही जीतें, आप ना जीतो, तो कुछ इस तरह की सोच इस पर्सन की मुझे दिखाई दी है। हो सकता है ये पर्सन ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर इन्हें यही सिखाया गया है कि भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे रिश्ता बर्बाद ही क्यों ना हो, लेकिन जीत तुम्हारे हिस्से आनी चाहिए, चाहे तुम्हें डंडा मार के सर ही क्यों नहीं फोड़ देना है, लेकिन जीतना तुम्हें ही है।
तो कुछ इस तरह की सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है, और ये पर्सन ना अपने हिस्से जीत लाने के लिए या सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए सच्ची झूठी भी करने से नहीं झिझकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को इसी तरह से इनके आसपास के लोगों ने, इनके आसपास के एटमॉस्फेयर ने इन्हें यही चीज़ें सिखाई हैं कि चाहे फिर तुम्हें सच्ची झूठी ही क्यों ना करनी पड़े। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन मैन्युपुलेटिव हैं। भले शुरुआती तौर पर ये आपसे नहीं बोलते हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपने इन चीज़ों को समझा जाना कि हाँ ये मुंह पर झूठ बोल देते हैं, सामने की सामने बात पलट देते हैं, तो उस तरह के इंसान मुझे ये दिख रहे हैं। जीत बहुत प्यारी है इन्हें, ठीक है, तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। इन्हें ये लगता है कि आप इन्हीं के साथ बने रहो और इन्हीं के मन मुताबिक आप चलो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की असलियत बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की असलियत बताइए, गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ सोर्स, नंबर थ्री यानी कि मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो इसी पर्सन से जुड़ा हुआ होगा, और कुछ लोगों के लिए नंबर सेवन यानी कि जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे आप लोगों का कपल ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप में से एक पर्सन यहाँ पे फायर एनर्जी में है और एक यहाँ पर एयर एनर्जी में है, तो वो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये पर्सन ना डिफेंसिव मोड में बहुत रहते हैं, जैसे कि इनसे अगर कोई गलती हो जाती है ना तो ये उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एज इन कि जैसे मान लो इन्होंने आपको किसी तरह की चोट पहुंचा दी, किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और ये जानते हैं उस चीज़ को कि हाँ इस चीज़ से आपको दुख होगा, आप उस चीज़ से परेशान होंगे, तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगते हैं। भले दिल से इन्हें समझ में आता है, रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरी गलती है, इस तरह से मैं उसे दर्द दे रहा हूँ या दे रही हूँ या दर्द दे दूँगा, लेकिन वहाँ पर ये पर्सन ना एकदम से खामोश हो जाते हैं, एकदम से डिफेंसिव मोड में पहुँच जाते हैं। और उसके दूसरी तरफ अगर इनकी तरफ ऐसी चीज़ें आपकी साइड से हो जाती है, तो ये सबसे पहले ऐसे बनकर बैठ जाते हैं कि भाई आपने पता नहीं क्या इनका मर्डर कर दिया, आपने पता नहीं क्या इन्हें चीड़ फाड़ दिया कि इन्हें कितना दर्द हो रहा है, तो ऐसे तरह की एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है। यानी कि अपने आप को तो आज नहीं आने देना है, और अगले को या अगली को हो इन्हीं की तरफ से कुछ हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उस तरह के मुझे इंसान दिख रहे हैं। अपने आप को बचाने में बहुत बिलीव करते हैं, अपने आप से बहुत प्यार है इस पर्सन को, ये भी काफ़ी क्लियरली है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहते हैं, एज एन जैसे होते हैं ना शक्की किस्म के होते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। जैसे आप तो बहुत ज़्यादा भरोसा करने वालों में से हो, और ये ऐसे हैं कि बात बात पर डाउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। हो सकते हैं आज की रीडिंग कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जितने लोगों से रिलेट करे आप मुझे बताइएगा कि अब भाई आपके पर्सन इसी तरह के हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की असलियत बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइन ऑफ वैंड्स, अगेन यहाँ पर आया है। इस पर्सन को ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आता नहीं है, या ये कह सकते हो कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स ना बहुत गार्ड करके रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो नीडीनेस है ना वो सब सामने वाले को पता ना चल जाए कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है ना, इस पर्सन को थोड़ा डोमिनेट करने की आदत है कि अगले को इनकी कमी ना दिख जाए, इनकी कमज़ोरी ना दिख जाए, तो उस तरह के ये इंसान है। इन्हें आपकी याद बहुत आती है, इन्हें आपके ख्वाब बहुत आते हैं, इन्हें आपकी यादें अपनी तरफ बहुत खींचती हैं, लेकिन ये पर्सन ना उस चीज़ से अपने आप को गार्ड कर लेते हैं उस वे के साथ कि सामने वाले को इनकी कमज़ोरी ना पता चल जाए कि ये उसके लिए कितने ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। इन्हें ना
आपके साथ रीयूनाइट करना है, इन्हें आपके साथ वापस से इस कनेक्शन में बढ़ना है, लेकिन ये पर्सन इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इतनी स्टबर्न एनर्जी है इस पर्सन की कि अपनी साइड से ये पर्सन कुछ भी नहीं करना चाहते, ताकि अगले को या अगली को ये ना लगे कि भाई देखो इसे मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो इस तरह के मुझे इंसान दिख रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या असलियत है, गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टेन ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को जितनी ज़्यादा चीज़ों की क्लियरिटी होती है, एज एन अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल अनजान हैं, बिल्कुल भोले हैं एंड ऑल है, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर इस पर्सन को हर एक चीज़ की क्लियरिटी है, लेकिन ये पर्सन ना सामने से खुद से बढ़ नहीं रहे हैं, ये दिखा नहीं रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, सामने से इन्हें पता है कि हाँ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और ख़त्म जो भी हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही हैं और मेरी वजह से हुई हैं, लेकिन ये पर्सन खुद से निकल नहीं रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। जैसे अपने आप को गार्ड करते फिर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन ना जितना दिखाते हैं कि हाँ मेरे मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझ में ये स्ट्रेंथ एंड ऑल, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को छुपाते फिरते हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। इस कनेक्शन को ये अभी भी देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब इन्होंने इस कनेक्शन को देखना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने इस कनेक्शन को अभी भी देखना बंद नहीं करा है, अभी भी लौट फिर कर इसी कनेक्शन को देखते हैं, अभी भी इसी कनेक्शन में ये पर्सन इवन आपसे बात भी करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी क्विक कॉल और मैसेज की एनर्जी है, और ये भी कम्युनिकेशन को ही बता रहा है कि जैसे कि इस कनेक्शन में ये फिर से जान फूंकना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहे हैं, या ये कह सकते हो बहुत डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं कि मैंने शुरुआत करी तो कल को मेरे पर ही चीज़ें ना आ जाएं, तो ये यहाँ पर है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की असलियत, बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका आया है टू ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली इस पर्सन ने ना अपनी ही धुन में रहने की वजह से, अपनी इमेजिनेशंस में रहने की वजह से, अपने ईगो में रहने की वजह से अल्टीमेटली फैसला लिया अपने आप को आपसे दूर ले जाने का, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली है कि जितना दूर ये आपसे गए हैं उतना अपना माथा पीट रहे हैं, उतना अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, और इवन इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप सेफ हो, सिक्योर हो, जो चीज़ें इनके मन में जेलेसी भी डाल रही हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि फैसला इस पर्सन ने खुद से लिया जाने का, या खुद से दूर गए, लेकिन जेलेसी भी यही रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूँगी एंड, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए, यूनिवर्स, स्टार्स, गोल्ड, सन एंड ओवरऑल एनर्जी है स्टॉर्म। देखो बेसिकली ना आपसे यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि आपकी लाइफ में ये जो भी तूफान चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, आप उस तूफान में खड़े होकर तूफान के थमने का वेट मत करो, आप उसकी बजाय उस तूफान से अपने आप को बाहर लेकर आओ, ताकि आप चीज़ों को फिक्स कर पाओ। एज एन देखो अगर आप दर्द में हो तो ऑब्वियसली आप दर्द में ना तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना अपनी खुशियों को सही से देख पाओगे या क्रिएट कर पाओगे, बजाय उसके आप सिर्फ परेशान रहोगे, डरते रहोगे, डाउट्स में रहोगे, डिप्रेशन की तरफ जाओगे। तो आपसे बोला जा रहा है कि देखो इस तूफान से बाहर निकलने के लिए आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, इस तूफान से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को अपने आप को स्ट्रांग और ब्रेव बनाना होगा, खुद से अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना होगा कि मुझे इस तूफान से बाहर निकलना है और फिर मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को मैं मैनिफेस्ट करूँगी। और जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तब आपकी खुशियाँ ना आप ही के हाथों से ड्रॉ होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे फिर उन खुशियों में आप फिर इस पर्सन को शामिल करना चाहो या ना चाहो, ये टोटली आपके ऊपर है।
लेकिन जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुशियां नहीं, स्टॉर्म ही मैनिफेस्ट करोगे या डिलेज ही मैनिफेस्ट करोगे। तो बोला जा रहा है सब गेम ना सोच का है, सब गेम यहाँ पर दिमाग का है, उसके अलग यहाँ पर कुछ नहीं है। रही बात इस पर्सन की, देखो ये पर्सन चाहते हैं रियोनाइट होना, लेकिन अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर। चाहे फिर इनको ये क्यों ना दिख रहा हो कि हाँ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिश्ता ख़त्म होने के प्रोसेस पे है, या रिश्ता ख़त्म ही हो गया, ठीक है, उसमें बस थोड़ी सी जान बची है, तब भी ये पर्सन वहाँ पर अपनी ही जिद में चल रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई अगर आपको ऐसे ज़िद्दी इंसान को अपनी लाइफ में लाना है तो बेशक लाइएगा, पहले अपने आप को स्टेबल कीजिएगा, ठीक है। चाहना है लेकिन उसके लिए जब करने की बारी आ रही है तो ये ऐसे इंसान है कि 100 कदम पीछे भी हट जाते हैं और अपने आप को डिफेंड भी कर लेते हैं, बातों को घुमा फिरा भी देते हैं। तो वो यहाँ पर मुझे ऐसे इंसान दिखे हैं ये, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।